गुड इवनिंग सभी साथियों को, आप सभी का स्वागत है कोचिंग राधे सर ऐप पे। मैं आपका अपना राधे पंडित एक और नए सेशन में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अपना समय बिल्कुल भी आप खराब नहीं कर रहे होंगे। गुड इवनिंग भाई गुरबेज सिंह, रमनदीप सिंह, रितु देवी, राजपाल कौर, मनक संधू, हरदीप सिंह, गुड इवनिंग बेटा सभी को। फटाफट से सभी बच्चे बेटा जुड़ जाएगा। एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत है कोचिंग विद राधे सर ऐप पे। मैं आपका अपना राधे पंडित एक और नए सेशन में। आज हम मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का जो टॉपिक है वो फिनिश किया है। आज हम ब्याज का ही इंटरेस्ट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। सुरजीत सिंह गुड इवनिंग बेटा, जसपाल सिंह गुड इवनिंग, अजय कुमार गुड इवनिंग, मनीषा गुड इवनिंग, जसप्रीत गुड इवनिंग बेटा, सचिन सिंह गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग तिवारी जी, राम राम भाई, गगनदीप राम गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए तो बिना समय खराब किए आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ का एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आज जो मैथ का हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। अगले एक घंटे तक बेटा बीच में नो मैसेज, नो फोन कॉल्स, कोई खड़ा नहीं होगा। लगातार एक घंटे बस आप मुझे सुनते रहिएगा। एक घंटे के बाद आप बोलना अगर कोई आपको डाउट रहे तो। आपको किसी प्रकार का डाउट रहेगा नहीं। एक घंटे तक बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेट के साथ स्क्रीन पे निगाह बना के रखना, ईयरफोन लगा लीजिएगा और अच्छे से क्लास का एंजॉय कीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है बेटा चक्रवर्ती ब्याज। जय श्री राम भाई, हरदीप संधू, राहुल, राम राम भाई, अमृत, राम राम बेटा, गुड इवनिंग जिंदर कौर, गुड इवनिंग बेटा सीमा, गुड इवनिंग गुरदीप सिंह, गुड इवनिंग। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज, अगर कंपाउंड का हम सी ले लेते हैं और इंटरेस्ट का हम आई ले लेते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में हमारा टॉपिक कहलाएगा सीआई। क्या कहलाएगा? सीआई। इसी प्रकार लास्ट जो हमने टॉपिक किया था उसे हम कह रहे थे एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? सीआई। जय स्कोर, सस्त्रे काल सर जी, सस्ते कार बेटा, माया, राम राम बेटा, कलेर है सबका। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में क्या बोलेंगे? चक्रवर्ती ब्याज। शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देंगे? इसे सीआई कह देंगे। कलेर है? क्या है, कैसे समझेगा इसको? एक बेसिक सी बात जो आपको सीआई के बारे में पता होनी चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ये कैसे बिहेव करता है और कैसे ये प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको समझने के लिए आपको जो शुरुआत है वो फ्लैशबैक में जाके करनी पड़ेगी। यानी हमें वापस से एक बार एसआई में जाना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट में जाना पड़ेगा यानी कि साधारण ब्याज में। ठीक है, तो मैं कंपेयर करते हुए आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में एसआई होता क्या है। अपने हाथों को विराम दीजिएगा। सभी बच्चों को राम राम, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। और बेटा स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा, कॉपी पेन पास में रखो, बढ़िया से अपने नोट्स आप बना लेना। ठीक है, एक बार क्लास सुनना बेटा, दोबारा फिर जब क्लास सुनो तब आप नोट्स बना लेना। एक बार सिर्फ सुनने पे ध्यान देना बेटा, लिखना वगैरह कुछ नहीं। एक बार आप लिखना बिल्कुल भी, सिर्फ सुने, सिर्फ सुने। तो ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में मान लेते कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की जो दर है वो 10% है। यानी हमने किसी को प्रिंसिपल यानी मूलधन उधार दिया, 10% ब्याज पे उधार दिया। अक्षिता अरोड़ा गुड इवनिंग बेटा, अजय डाबला गुड इवनिंग बेटा, राम राम। हमने किसी को 10% ब्याज पे सिंपल इंटरेस्ट से, साधारण ब्याज से पैसा उधार दिया। तो ऐसा ही नहीं, कैसे चलता है आराम से समझना मेरे बच्चे, आराम से बढ़िया से समझना। हमने मान लिया कि हमने किसी को 100 रुपये उधार दिए। ये 100 रुपये हमने किसी को उधार दिए एक साल के लिए। तो एक साल के बाद, एक साल तक इस 100 रुपए पर
कितना ब्याज लगेगा 10%। जो भी ब्याज बनता है वो हमेशा किस पे बनता है बेटा, प्रिंसिपल पर ही बनता है। तो अपना यहां पे हमने प्रिंसिपल क्या मान लिया है, 100 रुपया। जो पैसा हम किसी को उधार देते हैं, किसी से उधार देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। डन है सबका? तो 100 रुपए हमने किसी को उधार दिए एक वर्ष के लिए, तो इस 100 रुपए पर 10% ब्याज लगेगा एक साल के अंदर। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए होता है बेटा। 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपए हो जाएगा। तो 100 का जब 10% निकालेंगे तो वो 10 रुपए आ गया। वो 10 रुपए ब्याज के हम इस 100 रुपए में जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, 110 रुपए बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा, 110 रुपए बन जाएगा। क्लियर हुआ सबका? ये जो 110 रुपए है ये अपना अमाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या हुआ, मिश्र धन, यानी वो पैसा जो हमने किसी को उधार दिया, साथ में उस पैसे पर मिलने वाला ब्याज, दोनों को अगर हम जोड़ दें, यानी प्रिंसिपल को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को जोड़ देते हैं, तो वो अमाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है, अमाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। ये बेसिक बातें हमने एसआई में सीख ली थी, उन्हीं बातों को रिपीट करते हुए मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहा हूं, फिर हम इसकी क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगले 1.5 घंटे आराम से आप बैठ के क्लास को एंजॉय कीजिएगा, बीच में कोई बोलेगा नहीं, बाद में बोलना अगर आपके कोई डाउट हो, पर आपको डाउट रहेगा नहीं, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। अब नेक्स्ट क्या, जिसको भी उधार दिया उसने कहा भैया एक बार पैसे नहीं है, मैं तो एक साल पैसे को और रखूंगा, यानी एक वर्ष वो पैसे को और रखेगा। तो अगर एक साल और अगर वो पैसे को रखेगा तो उसको 10% ब्याज और भरना पड़ेगा। तो अब जो ये 10% ब्याज लगेगा, ये जो पैसा उधार लिया था उसी पे लगेगा। कितना उधार लिया था, 100 रुपए, तो 100 पे फिर से 10% ब्याज लगेगा। 100 पे फिर से 10% ब्याज लगेगा, तो 100 का 10% कितना आ जाएगा, 10 रुपए। पहले से उसकी अमाउंट कितनी बन चुकी है, 110 रुपए, 10 रुपए ब्याज की ओर बन गए। तो अब जो अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, 120 रुपए हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी, 120 रुपए हो जाएगी। मेरे बच्चे ध्यान से इसको समझना बेटा, डन है सबका? आगे देखिए, तो 120 रुपए ये अमाउंट बन जाती है। अब आगे वाले ने कहा भैया एक बार फिर से पैसे नहीं है मेरे पास, मैं तो एक साल और रखूंगा। तो एक साल उसने पैसे को और रख लिया यहां पे, तो फिर ब्याज जो है वो लगेगा किसके ऊपर, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना यहां पे, 100 रुपए है। 100 पे फिर 10% ब्याज बढ़ना पड़ेगा, 100 पे फिर 10% ब्याज बढ़ना पड़ेगा। तो 100 का 10% कितना बनेगा, 10 रुपए बन जाएगा। यानी 10 रुपए ब्याज के फिर से बन जाते हैं, 10 रुपए ब्याज के फिर से बनेंगे बच्चा, ठीक है। तो 120 रुपए पहले से अमाउंट, 10 रुपए ब्याज के और हो गए, कितना बन जाएगा, 130 रुपए बन जाता है। अब एक साल के लिए अगर इसको और रख लिया जाए, एक साल पैसे को और रख लिया, 1 ईयर और रखे, तो फिर 100 पे फिर 10% ब्याज लगेगा, जो प्रिंसिपल उस पर 10% ब्याज फिर मिलेगा। तो 100 का 10% फिर 10 आएगा। अमाउंट पहले से 130 हो चुका है, 10 रुपए ब्याज के और बन जाएंगे, तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा, 140 रुपए हो जाएगा। क्लियर हो सबका? तो ये चीजें हमने एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में सीखी थी, क्लियर हुई सबकी? साधारण ब्याज में हमने ये सीखा था, इसको आप अच्छे से देख लीजिए बेटा कि एसआई कैसे बिहेव करता है, सिंपल इंटरेस्ट बिहेव कैसे करता है, साधारण ब्याज कैसे चलता है, साधारण ब्याज कैसे चलता है। क्लियर है सबका? बहुत अच्छे। बेहतरीन। चलिए शाबाश। तो ये आपका एसआई बन जाता है कि एसआई में कैसे कैसे चलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर पैसे को सीआई पे उधार दिया जाए, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार दिया जाए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% रखी जाए, एसआई पे भी कितने पे दिया था, 10% पे, सीआई पे भी कितने उधार देंगे, 10% ब्याज पे उधार देते हैं। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपए है, मतलब हमने किसी को 100 रुपए उधार दिए 10% ब्याज पे 4 साल के लिए। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो होगा क्या कि प्रिंसिपल पर 10% ब्याज बनेगा एक साल का, तो 100 का 10% कितना बनेगा, 10 रुपए बनेगा। तो 100 का 10% निकालने कितना आ जाएगा, 10 रुपए। वो 10 रुपए इस प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, 110 रुपए। अमाउंट यानी कि
मिश्र धन कितना हो जाएगा, 110 रुपए हो जाएगा। आगे देखिए, फिर अगर इसी पैसे को एक साल और रखा जाए तो अब क्या होगा कि जो 10% ब्याज फिर बनेगा, तो अब जो 10% ब्याज बनेगा वो 110 पे बनेगा। किस पे बनेगा बेटा? 110 पे बनेगा। बस यही बात आप ध्यान रखना कि दूसरे साल जब भी ब्याज लगेगा तो जो पहले साल का अमाउंट है, पहले साल का जो अमाउंट है उस अमाउंट पे ही ये 10% ब्याज बनेगा। तो 110 का क्या निकालेंगे? 10%। 110 का क्या निकालेंगे बेटा? 10% निकालेंगे। आपको परसेंटेज का टॉपिक स्टार्टिंग में इसीलिए करवाया था थोड़ा सा कि जिससे आप परसेंट निकालना सीख जाए, बस इतना उद्देश्य था उस टॉपिक को करवाने का। तो 110 का 10% कितना होता है? 11 रुपए होता है। तो अब कितने रुपए ब्याज बन जाएगा? 11 रुपए ब्याज बन जाएगा। पहले से अमाउंट कितनी है? 110, उसमें 10 रुपए और 11 रुपए और जोड़ देंगे ब्याज वाले, कितना हो जाएगा? 121 रुपए। कितना हो जाएगा बेटा? 121 रुपए। तो दो साल के बाद जो अमाउंट बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी? 121 रुपए बन जाएगी। कितनी बन जाएगी बच्चा? 121 रुपए बन जाएगी। अब अगर इसी पैसे को एक साल के लिए और उधार दे के रखें, 1 ईयर के लिए फिर उधार देते हैं, तो इस पे फिर 10% ब्याज लगेगा। तो अब जो 10% ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? 121 पे लगेगा। किस पे लगेगा बेटा? 121 पे लगेगा। तो 121 का क्या निकालेंगे? 10%। 121 का क्या निकालेंगे? 10%। वो कितना आएगा? 12.1। 121 का 10% कितना आएगा? 12.1। तो 12.1 जो है वो इसमें जोड़ देंगे क्योंकि वो ब्याज है, और वो 121 में क्या कर देंगे? प्लस। तो 121 प्लस में 12.1 कितना हो जाएगा? 133.1। ये अमाउंट बन गया जी अपना। इसको फिर आगे उधार देंगे एक साल के लिए और, क्योंकि हमें 4 साल के लिए देना है, तो एक साल फिर रखेंगे। तो होगा क्या कि 133 पे अब ब्याज लगेगा कितना? 10%। 10% ब्याज और लगेगा। अब जो 10% ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा बेटा? 133 पे लगेगा, 133.1 पे लग जाएगा। तो 133 का क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे। 133 का क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे। तो 133 का जो 10% है वो 13 पॉइंट कितना आ जाएगा? 31। 13 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा? 31। 133.1 में प्लस कर देंगे कितना? 13.31। तो वो कितना बन जाएगा? 146.41। 146.41 ये बन गया जी। क्लियर है सबका? तो ये जो ये 100 तो क्या है बेटा? यहां पे प्रिंसिपल है। 110 यहां पर क्या है? अमाउंट फर्स्ट। 121 यहां पर क्या कहलाएगी? अमाउंट सेकंड। 133.1 क्या कहलाएगा? अमाउंट थर्ड। 146.41 क्या कहलाएगा? अमाउंट फोर्थ। इन्हें हम अमाउंट कहेंगे, मिशन कह देंगे। क्लियर हुआ सबका? ये आपका अमाउंट कहलाएगा। क्लियर है ना सबका? ये क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा आपका। तो अब आप दोनों में डिफरेंस करके देख सकते हैं कि साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क क्या है। साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क क्या है वो आपके सामने है। अगर हम किसी को 100 रुपए उधार दें साधारण ब्याज पे या चक्रवृद्धि ब्याज पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दोनों ही कंडीशन में हम 10% रखते हैं, तो एक साल के बाद बनने वाला अमाउंट 110 रुपए बनेगा, क्योंकि पहले साल जो ब्याज बनेगा वो 10 रुपए बनेगा। यानी पहले साल का चाहे SI हो या फिर CIO, पहले साल का चाहे SI हो या फिर CIO, दोनों बराबरी रहते हैं, मतलब दोनों बराबरी बनते हैं। तो अगर हम किसी से पैसा उधार दें या दें एक साल के लिए, तो अगर हम किसी को एक साल के लिए पैसा उधार देंगे या लेंगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा कि SI पे लिया या CI पे लिया है। अब SI में तो क्या होता है, हर साल सेम ही ब्याज बनेगा। 10 रुपए बना, 10 रुपए बना, 10 रुपए बना, 10 रुपए बना, हर साल ब्याज क्या बना बेटा? सेम बना। तो 100 से 110, 120, 130, 140 ये अमाउंट बनता गया, क्योंकि SI में जो ब्याज बनता है वो हर साल जो पैसा उधार लिया था, यानी जो मैन आपका प्रिंसिपल था, उसी पे 10% ब्याज लगता रहता है हर साल। इसलिए बोलते हैं कि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है? सेम होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल तो SI की तरह मैन प्रिंसिपल पर ही 10% ब्याज बनेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 110। लेकिन अगले साल क्या होता है कि जो पहले साल की अमाउंट है, पहले साल की जो अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करती है। तो अब 110 का 10% निकलेगा और वो बढ़ के अमाउंट कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अब जो अमाउंट सेकंड है, वो अमाउंट सेकंड अमाउंट थर्ड के लिए
प्रिंसिपल का काम करेगी। केयरफुली सुना बेटा इस बात को, अमाउंट सेकंड जो है वो अमाउंट थर्ड के लिए किसका काम करेगी, प्रिंसिपल का काम करेगी। जो अमाउंट थर्ड है वो अमाउंट फोर्थ के लिए किसका काम करेगी, प्रिंसिपल का काम करेगी। कलियर सबका, इस प्रकार ये चलता रहता है। अब अगर मैं आपको और बताऊं कुछ बातें और हम फैक्ट क्लियर करते हैं तो देखना आराम से, बस यहां तक क्लियर हो सबका। आगे देखिए, जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की जो दर है वो 10% है यहां पे। अगर इस 10% को हम रेसिप्रोकल वैल्यू में, मतलब इसकी फ्रैक्शन बनाए रेसिप्रोकल वैल्यू में तोड़े तो 10 का 10 आ जाएगा, परसेंट का निशान हटाएंगे तो बटन क्या लग जाएगा, तो इसे ठीक करते हैं तो क्या बन जाएगा, 1/10 कटकन कितना बन जाएगा बेटा 10। तो इस 10% की जब हम रेसिप्रोकल वैल्यू बनाते हैं तो बेटा इसका मतलब क्या बनता है, 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हमने यहां लिखा एसआई में। हमने इसको समझा था कि अगर किसी को 100 रुपए उधार देंगे तो ब्याज कितना बनेगा, 10 रुपए ब्याज बनेगा। इसी को हम सिंप्लीफाई करके छोटा लिखें तो क्या बन जाएगा, अगर किसी को 10 रुपए उधार दें तो ब्याज कितना बनेगा, 1 रुपया बन जाएगा। मतलब 10 रुपए जो बटे वाली संख्या हो तो किसको दर्शाते बेटा, प्रिंसिपल को। ऊपर वाला जो ये 1 है ये किसको दर्शाएगा, इंटरेस्ट को, यानी कि ब्याज को। हम आपको बोलूं अगर 10 रुपए उधार दिया, 1 रुपया ब्याज का बन गया तो अमाउंट कितना बना, 11 रुपए। अमाउंट कितना बना बेटा, 11 रुपए बटे में 10। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो उससे अमाउंट बटे में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 11/10। यानी मिश्रधन बटे में मूलधन कितना आ गया, 11/10। 1/10 क्या है समझ में आया, 11/10 क्या लिखा है समझ में आया। अगर 11 में हम 10 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है बेटा, 1.1। कितना जाता है, 1.1 आ जाता है। इस 1.1 के बारे में सुनना आप आराम से, ठीक है। दो चीज रखना, एक तो यहां पर 11/10 है ये ध्यान रखना, एक 1.1 है ध्यान रखना। इन दोनों के बारे में मैं आपको कुछ अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, आप इसको बस ध्यान रखना कैसा कुछ हमने सीखा था। आप पहले 1.1 को समझिएगा, देखो यहां पे प्रिंसिपल कितना बेटा है, 100 रुपए है। कितना बेटा, 100 रुपए प्रिंसिपल है। अमाउंट फर्स्ट कितना आया, 110 आया। तो इस पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा तभी ये 100 से कितना हुआ, 110 हुआ। तो इसका मतलब ये बना कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है उसे हम 1.1 भी तो लिख सकते हैं। अभी निकाला था ना कि 10% से 1.1 कैसे बनता है, तो 100 से 110 हुआ तो ये कितना मल्टीपल, कितना गुना हुआ, 1.1 गुना। अगर 110 को हम 1.1 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 121। 121 को अगर हम 1.1 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 133.1। 133.1 को हम अगर गुना करें किससे, 1.1 से, तो कितना आ जाएगा, 146.41। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट के बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं बेटा, अमाउंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होती है ना, जो अमाउंट होती है वो एक सिक्वेंस में बढ़ती जाती है, एक मल्टीपल में बढ़ेगी। मतलब यहां पर 1.1 गुना हुई है तो आगे भी 1.1 गुना बढ़ेगी, आगे भी 1.1 गुना बढ़ेगी, आगे भी 1.1 गुना बढ़ेगी, और इससे आगे भी 1.1 मल्टीपल बढ़ती जाएगी। मतलब एक ऑर्डर में बढ़ती है और वो एक मल्टीपल में बढ़ती है, गुणा में बढ़ती है, समझ में आ गया। इसको मैं ऐसे बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में बढ़ता है। देखो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा ये टॉपिक आता है एपी जीपी एचपी, यानी श्रेणी सीरीज निकालना। जीपी का मतलब बनता है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर यानी कि एक मल्टीपल में बढ़ती जाएगा आगे। तो यहां से आप ऐसे बोलोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है वो एक जीपी में, यानी एक मल्टीपल में बढ़ता है। यानी कभी 2 गुना होगा तो 2 गुना बढ़ता जाएगा, कभी 3 गुना, कभी 3.5 गुना, कभी 4.5 गुना, कभी 1.1 गुना, ऐसे ही बढ़ता जाता है। इनमें एक रिलेशन होता है कि ये बढ़ कैसे रहा है। तो जो बढ़ने का रिलेशन होता है वो ऐसे नहीं होता कि हर साल 10-10 रुपए बढ़ेंगे, 13-13 रुपए बढ़ेंगे, 14-14 रुपए बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ता, मल्टीपल में बढ़ता है, मल्टीपल में गुणांक में बढ़ेगा। ये बात आप ध्यान रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस में बढ़ेगा बेटा, एक मल्टीपल में बढ़ेगा, एक गुणांक में बढ़ेगा। क्लियर होगा सबका, आगे देखिए बस। तो ये पहला फैक्ट था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और कैसे इसको बिहेव किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट बात, अभी हम बेटा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसके जस्ट बाद हम लगातार अभी यहां पे क्वेश्चन करेंगे, तो एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, 14.22%
मतलब मैंने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 14.28%, 14.28% की जब आप रेसिप्रोकल वैल्यू बनाओगे तो वो 1/7 आएगी, कितना है बेटा 1/7 आ जाएगी। रेसिप्रोकल वैल्यू कैसे बनती है, जैसे ये 6% है तो 6/100 लिखेंगे। एसआई में हमने सीखी हुई है रेसिप्रोकल वैल्यू कैसे बनाते हैं, हमने एसआई में साधारण ब्याज में सीख ली है। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/50, 100 क्यों आया, ये हमने परसेंट में सीखा था कि जो परसेंट का निशान हटाते हैं तो 100 लग जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3/50, तो 6% की जो रेसिप्रोकल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/50। ऐसे जब आप 14.50 की निकाल 14.28% की रेसिप्रोकल वैल्यू निकालोगे तो बेटा 1/8 आएगी। और अभी थोड़ी देर पहले जब आपको इसमें बताया था मैंने 10% का जब आपने निकाला था 1/10 आया था, 1/10 आया था, तब मैंने आपको बताया था कि 1/10 में जो बटे वाली वैल्यू है वो तो क्या थी, प्रिंसिपल था। इस एक कमल क्या हुआ था, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। यानी अगर किसी को 7 रुपए उधार देंगे, 7 रुपीज क्या करेंगे उधार देंगे, तो जो ब्याज है वो कितना बन जाएगा, 1 रुपए ब्याज बन जाएगा। क्लियर है सबका? तो फिर इसी प्रकार से जो अमाउंट है फिर कितना बन जाएगा 8, प्रिंसिपल कितना 7, 1 रुपए ब्याज का 7 रुपए उधार दिए, 1 रुपए ब्याज हो गया, तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना बन जाएगा 8, तो 8 बटे कितना बेटा 7। ये आपका क्या रहेगा यहाँ पे 8/7 अमाउंट बटे में क्या है प्रिंसिपल। क्लियर हो सबका? ये जो आप वैल्यू निकालते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जो रेसिप्रोकल वैल्यू कहलाते हो निकालते हम, इसे हम मल्टीपल फैक्टर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपल फैक्टर कहते हैं। ये शब्द मैं बार बार यूज करूंगा, इसको आप ध्यान रखना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब हम रेसिप्रोकल वैल्यू में बना लेते हैं तो सीआई वाले टॉपिक में कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल फैक्टर कहेंगे। तो मल्टीपल फैक्टर क्या चीज है ये आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि मल्टीपल फैक्टर होता क्या है। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको सिंपलीफाई करने पर जो रेसिप्रोकल वैल्यू आती है वही क्या कहलाती है, मल्टीपल फैक्टर कहलाती है। लेकिन वो रेसिप्रोकल वैल्यू तो ये आती है, इस वैल्यू से हमने जो 8 बनाया, 8/7 लिखा, फिर ये मल्टीपल फैक्टर कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, मल्टीपल फैक्टर कहलाता है। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल वैल्यू ये बनेगी, इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू ये है, लेकिन इससे फिर जो हमने 8/7 लिखा ये क्या कहलाएगा, मल्टीपल फैक्टर कहलाएगा। अब समझो, पीछे हमने 100 रुपए लिया था, हम पी लेते हैं, अब हमने माना कि प्रिंसिपल क्या है, पी रुपए है, क्योंकि पेपर में 100 तो आएगा नहीं हर बार, पी आएगा। पी का मतलब क्या, पी का मतलब प्रिंसिपल, यानी कि यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब हम एक कॉमन बात करेंगे जो सभी क्वेश्चन पे अप्लाई, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एक बात आप मेरी दिमाग में डाल लीजिएगा, आप जब तक क्वेश्चन सीखते रहेंगे आपसे बेटा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पेपर पास नहीं होगा। जब आप कॉन्सेप्ट सीखने पे आ जाएंगे तो फिर चाहे आप क्वेश्चन कितने भी बना लो, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप सिर्फ वो क्वेश्चन सीख लेते हैं, फिर कोई नया क्वेश्चन आएगा फिर आपसे नहीं होगा। तो जो सीट आपको मिल रही है उन सीट में आपसे ज्यादा डाउट क्यों बन रहे हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीखने बजाय आप बस उस क्वेश्चन को सीखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। आप क्वेश्चन की जड़ की गहराई से सीखेगा तभी बेटा आप बड़े एग्जाम निकाल पाएंगे। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जीडी तो एक छोटा सा एग्जाम है। जो मैथ आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, इसको आपने ढंग से सीख लिया तो आप बैंक, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ किसी भी एग्जाम में बैठेगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल क्या बेटा, पी रुपए है। अगर इस पी रुपए को हम उधार देते हैं 14.28% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो एक साल के बाद जो अमाउंट बनेगा, एक साल के बाद जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट 8/7 मल्टीपल हो जाएगा। क्योंकि जो अमाउंट होती है, देखो यहां सीखा ना हमने, क्या सीखा कि जो अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल का ही कोई ना कोई मल्टीपल होती है। जो अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल का कोई ना कोई मल्टीपल होती है। तो ये अमाउंट इस प्रिंसिपल का कितना मल्टीपल है, 11/10 मल्टीपल है। कितना मल्टीपल है बेटा, 11/10 मल्टीपल है। 11/10 मल्टीपल की जगह हम क्या बोल सकते हैं, 1.1 मल्टीपल है, जो हम चाहे वो बोल सकते हैं ना। ठीक है गुरतेज सिंह भाई, बहुत अच्छे बेटा, क्या बोल सकते हैं, 11/10 या फिर 1.1 मल्टीपल है। क्लियर है? यहां पर हम क्या सकते हैं, ये जो अमाउंट सेकंड है, इस अमाउंट फर्स्ट की क्या है, 11/10 मल्टीपल है, या फिर हम कह सकते हैं 1.1 मल्टीपल है। तो जो अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल का एक कोई ना कोई मल्टीपल होती है, यानी कि मल्टीपल फैक्टर होती है। वो कितना होती है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने, 14.28% है, तो इससे मल्टीपल फैक्टर क्या जाएगा, 8/7।
जो अमाउंट फर्स्ट होगी वो इस प्रिंसिपल के, इस मल्टीपल फैक्टर के इक्वल रहेगी। कैसे कि 8/7 इंटू में पी, ये अमाउंट फर्स्ट बन जाएगा। क्लियर है सबका? अब फिर आपने सीखा था कि जो अमाउंट फर्स्ट होता है ये अपना क्या बेटा, अमाउंट फर्स्ट है ना, ये सारा क्या कहलाएगा अमाउंट फर्स्ट। ये जो अमाउंट फर्स्ट होता है ये अमाउंट सेकंड के लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का। तो अब ये प्रिंसिपल बनेगा, इस प्रिंसिपल का फिर कितना हो जाएगा 8/7 मल्टीपल फिर हो जाएगा बेटा। तो जब अब इसका 8/7 मल्टीपल करेंगे, मतलब ये 8/7 गुना में पी पहले से है, इसका फिर 8/7 गुना हो जाएगा। मतलब जब इसको लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 8/7 की पावर 2 और इंटू में क्या आ जाएगा पी। अब जो ये अमाउंट सेकंड आ गया, ये क्या आ गया अपने पास अमाउंट सेकंड, ये जो अमाउंट सेकंड है ये अब किसका काम करेगा बेटा, प्रिंसिपल का। किसके लिए, अमाउंट थर्ड के लिए। तो अमाउंट थर्ड क्या हो जाएगी बताओ, शाबाश, 8/7 की पावर 3 इंटू में पी, ये अमाउंट थर्ड हो जाएगी। क्लियर है सबका? ये अमाउंट थर्ड अमाउंट फोर्थ के लिए किसका काम करेगी बेटा, प्रिंसिपल का। और अमाउंट फोर्थ क्या हो जाएगी, 8/4 की पावर 4, 8/7 की पावर कितना 4 इंटू में पी, ये क्या होगी आपकी अमाउंट फोर्थ हो जाएगी। समझ वाली बातें क्या, मैं जो बोल रहा हूँ वो दिमाग में बैठ रहा है धीरे धीरे, क्या आराम से बस सुनते रहो बेटा, सुनते रहो आराम से, जैसे जैसे ये क्वेश्चन में आएंगी वैसे वैसे और बेटर क्लियर हो जाएंगे। तो जो प्रिंसिप, जो अमाउंट होता है वो अमाउंट किसी प्रिंसिपल का कोई ना कोई मल्टीपल होता है। जो भी अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल का कोई ना कोई मल्टीपल होता है, जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल का कोई ना कोई मल्टीपल होता है। सेकंड अमाउंट के लिए फर्स्ट अमाउंट किसका काम करेगी, प्रिंसिपल का। थर्ड अमाउंट के लिए सेकंड अमाउंट किसका काम करेगी, प्रिंसिपल का। थर्ड अमाउंट फोर्थ अमाउंट के लिए किसका काम करेगी, प्रिंसिपल का। ये बात क्लियर होगी? अब अगर मैं आपको बोलूं कि प्रिंसिपल और अमाउंट फोर्थ का रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, तो प्रिंसिपल कितना बेटा पी, अमाउंट फोर्थ कितना है 8/7 की पावर 4 इंटू में पी, तो पी से पी मेरे बच्चे क्या हो जाएगा कैंसल, यहां क्या बचेगा एक, क्या बचेगा बेटा यहां पे एक, अनुपात में कितना 8/7 की पावर 4, तो यहां से क्या जाएगा 7 की पावर 4 अनुपात में 8 की पावर 4। तो प्रिंसिपल और अमाउंट फोर्थ का रेशियो क्या हो जाएगा 7 की पावर 4 अनुपात में 8 के अनुपात 4। ये बात समझ में आया क्या, ये कैसे बना समझ में आया क्या? ये जिन बच्चों को समझना है वो इस बात का समझना कि जैसे एक अनुपात में 3/4 बेटा, तो अगर किन्हीं दो संख्या को जब हम रेशियो में लिखते हैं ना तो वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, बटे वाले नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर संख्या आनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ बटे में 4 है, तो इस बटे वाले 4 को खत्म करने के लिए दोनों साइड 4 से गुणा कर देंगे, इस एक को भी 4 से गुणा कर देंगे, अनुपात में 3/4 को भी किससे गुणा कर देंगे 4 से, तो यहां तो 4 बन जाएगा, यहां नीचे वाले वाले आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 3। तो इसी प्रकार यहां पर क्या है 8/4 बटे में 7/4 बनेगा जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो बटे में 7/4 है ना, तो दोनों साइड 7/4 से गुणा कर देंगे, तो इस एक को 7/4 से गुणा होता क्या जाएगा 7/4 अनुपात में, यहां बटे में 7/4 पहले से गुणा में क्या आएगा 7/4, तो 7/4 से ये 7/4 क्या जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 8/4। क्लियर है सबका? तो अब आप एक चीज देखोगे कि जो अमाउंट फोर्थ है, जो अमाउंट फोर्थ है उस अमाउंट फोर्थ में तो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू उसी में तो थी, ये देखो 8/7 की पावर 4। तो अमाउंट फोर्थ में जो ये मल्टीपल फैक्टर है, इसको हम क्या बोलते बड़ा मल्टीपल फैक्टर तो कहते ना इसे, ये जो मल्टीपल फैक्टर है इस मल्टीपल फैक्टर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो क्या किसका काम कर रहा है प्रिंसिपल का, जो ऊपर वाला हिस्सा वो किसका काम कर रहा है बेटा अमाउंट का। क्लियर हो सबका? तो मैं आपको और बोलता हूं, देखो शाबाश, अब मैं आपको कहूं कि अगर इस डाटा को हम लेते हैं, इस डाटा का अगर हम यूज करें तो फिर प्रिंसिपल और अमाउंट थर्ड का रेशियो क्या होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट थर्ड का रेशियो क्या होगा इसकी हम बात करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना बेटा पी है, अमाउंट थर्ड कितना बेटा, अमाउंट थर्ड कितना है 8/7 की पावर 3 इंटू में क्या गया पी, तो पी से पी क्या हो जाएगा कैंसल, बटे में 7/3 है, ऊपर 8/3 है, तो 7/3 का दोनों साइड से गुणा कर देंगे ना, तो यहां 7/3 क्या जाएगा बेटा 3 और यहां क्या जाएगा 8/3 बनाने, ये चलिए शाबाश, और देखो
अगर प्रिंसिपल और अमाउंट सेकंड का रेशियो निकालना हो, अगर प्रिंसिपल और अमाउंट सेकंड का रेशियो निकालना हो तो ये अमाउंट सेकंड है और प्रिंसिपल का रेशियो पूछा गया, तो सीधा देखो ना अमाउंट सेकंड का नीचे वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल यानी 7 की पावर 2, 8 की पावर 2 क्या बन जाएगा अमाउंट सेकंड, यही रेशियो आएगा। समझ में आया कि रेशियो कैसे बनता है, बस ये रेशियो बनाना आप सीख लीजिएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद है आप सबको यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, अब इसी कॉन्सेप्ट को बेटा हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे आराम से। देखिए शाबाश, तो हम पढ़ रहे हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसा ही हमने खत्म कर दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो आपके सामने, आराम से सभी इस क्वेश्चन को बेटा पढ़ लीजिएगा शाबाश। बहुत अच्छे बच्चा, बेहतरीन, सभी बच्चे क्वेश्चन को ढंग से बेटा पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट पढ़ने पर बेटा जब भी किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो मैथ की तो कम से कम 3 बार पढ़ा करो बेटा, ईमानदारी दिखानी है, कम से कम 3 बार इसको पढ़ना है, कम से कम करना बेटा 3 बार इसे करना है, 3 बार इसको पढ़िएगा आप, 3 बार इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप 3 बार इसे पढ़ देंगे बेटा तो आपकी सारी जो स्टेटमेंट है वो आपको क्वेश्चन की समझ में आ जाती है। जब आप नया नया मैथ सीख रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट को कम से कम 3 बार पढ़ देना चाहिए, ओके सबका। चलिए शाबाश, देखिए बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन में निकालना क्या आपको क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना बेटा, यहाँ पे हमें निकालना ब्याज की दर, एक निश्चित राशि 4 वर्षों में अपने का 512/162 गुना हो जाती है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयुक्त हो तो ब्याज की दर क्या है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए आप ध्यान देना आराम से, दर निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको 1 साल का ब्याज, दर निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, 1 साल का ब्याज होना चाहिए। अब वो जो 1 साल का ब्याज है ना उसके बारे में हम यहां पे एक वर्डिंग यूज करेंगे, ध्यान देना है ना, वो 100 रुपए से 110 हुआ, 110 से 121 हुआ, 121 से 133.1 हुआ, वहां से फिर वो 146.41 हुआ। तो ये जो चीज है ना इसे हम साइकिल बोलते हैं, ध्यान से जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको सुनना, इसे हम साइकिल कहते हैं, साइकिल यानी कि चक्कर, चक्कर यानी कि साइकिल। मतलब क्या हुआ, किसी क्वेश्चन में हिसाब किताब कितने टाइम के बाद किया जा रहा है उसे हम साइकिल कहते हैं। हिसाब किताब करने वाला क्या हुआ कि जो पैसा आपने उधार लिया है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बिहेव करेगी, कि कितने समय के बाद बनने वाला ब्याज प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाएगा, कितने समय के बाद बनने वाला जो ब्याज है वो प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाएगा। तो कितने समय के बाद बनने वाला ब्याज प्रिंसिपल में जोड़ते हैं, जितने समय के बाद जोड़ते हैं उसी को हम साइकिल कहते हैं, चक्कर कहते हैं। कुछ क्वेश्चन में वो 1 साल के बाद जुड़ता है, कुछ क्वेश्चन में बोल रखा होगा 6 महीने के बाद, कुछ क्वेश्चन में बोल रखा होगा 3 महीने के बाद। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप क्या निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, तो अब आप यहां पे वर्डिंग ऐसे बोलेंगे कि एक साइकिल में जब आपको दर निकालनी हो तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ब्याज, और कितने टाइम का ब्याज चाहिए, तो आप उसका ऐसे बोलोगे कि एक साइकिल का ब्याज चाहिए, एक साइकिल का हमें ब्याज चाहिए। समझ में आ गया, ये बात आप यहां ध्यान दोगे। जब हम ऐसा ही पढ़ रहे थे तो हम इसको ऐसे बोल रहे थे कि जब दर निकालनी हो तो आपको 1 साल का ब्याज चाहिए, अब आप 1 साल के ब्याज को क्या बोलोगे, एक साइकिल का ब्याज चाहिए। अमाउंट फर्स्ट तक पहुंचने में जो साइकिल आपने पूरी की है, अमाउंट फर्स्ट तक पहुंचने में जो साइकिल आपने पूरी की है उसी साइकिल वाला ब्याज आपको चाहिएगा। क्लियर है सबका, चलिए शाबाश, देखिए बहुत अच्छे। तो यहां पे इसने कहा है कि 4 वर्षों में अपने आपका वो कितना हो जाता है बेटा, 512/162 हो जाती है। अब 512/162 हो जाती है तो आप मुझे बताओ कोई पैसा था वो 4 साल के बाद इतना हुआ, तो ये जो है ये अमाउंट 4 हुआ या नहीं हुआ, 4 साल के बाद इतना हुआ, तो 4 साल के बाद जो होगा वो अमाउंट 4th ही कहलाएगा ना। और अमाउंट 4th क्या होता है, आपको बेसिक सा फॉर्मूला होता था कि प्रिंसिपल और यहां कोई मल्टीपल फैक्टर होता है, याद है वो 8/7 वाला, और उसकी पावर कितनी, 4। तो ये सारा कितना दे रखा आपको, 512/162 ऐसे में ये अमाउंट 4th बड़ा, ये क्या है, अमाउंट 4th है। तो फिर इसमें से मल्टीपल फैक्टर निकालो, मल्टीपल फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे, इसका मल्टीपल फैक्टर ढूंढ देंगे, मतलब ये
मल्टीपल फैक्टर बना लेंगे इसको, कैसे ध्यान देना आराम से, क्या फिर सुनना बेटा, ये अमाउंट फोर्थ है, इसका मल्टीपल फैक्टर, ये कोई मल्टीपल फैक्टर होगा, मल्टीपल फैक्टर देखो आराम से, अगर अमाउंट फोर्थ है, ध्यान देना आराम से, अगर अमाउंट फोर्थ है तो इसमें, अगर ये अमाउंट फोर्थ है तो इसमें प्रिंसिपल इंटू में वो जो मल्टीपल फैक्टर था, वो जो मल्टीपल फैक्टर था उसकी पावर चार मिलेगा, क्योंकि ये अमाउंट फोर्थ है, चार साल के बाद का है, क्लियर सबका। तो इसमें ये मल्टीपल फैक्टर क्या है वो ढूंढ दो, या तो वो सीधा मिल जाएगा या फिर वो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा। कैसे, कि अगर ये संख्या जो दे रखी है ये अगर है ही मल्टीपल फैक्टर, तो ये कन्फर्म किसी ना किसी की पावर चार मिलेगी, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर किस में मिलेगा, पावर चार में मिलेगा, अगर अमाउंट फोर्थ की बात हो रही है, चार साल के बाद की अमाउंट की बात हो रही है। तो फिर आपको नीचे वाली संख्या के ऊपर ध्यान देना है, ऊपर वाले के बाद में बारे में आपको बाद में सोचना है, जो बटे वाली संख्या उसके बारे में देखना बेटा, क्या 162 किसी का, क्या 162 किसी की पावर चार होता है ना, नहीं होता है, तो फिर ऊपर वाला भी नहीं बोलेंगे कि ऊपर वाला भी किसी की पावर चार होता है। तो फिर हम इसको कैसे यूज करेंगे वो ध्यान दीजिए, शाबाश, 512 बटे में 162 है, इसे आप काट के छोटा कर लीजिएगा, इसे आप काट के क्या कर लीजिएगा बेटा, छोटा कर दीजिएगा। जब इसे हम दो से काटेंगे, जब हम इसे दो से काटेंगे तो दो से काटने पर ऊपर वाला क्या जाएगा 256, नीचे वाला क्या जाएगा बेटा 81, नीचे वाला क्या जाएगा 81। तो 512 बटे में 162 को जब हमने सोल्व किया तो वो कितना बन गया बेटा 256 बटे में 81, क्या बन गया 256 बटे में 81, क्लियर हुआ सबका। तो 256 बटे में 81 कहां से आप पता चल गया ना, 256 बटे में 81। अब 256 बटे में 81 क्या है, मल्टीपल फैक्टर है, 256 बटे में 81 क्या बेटा मल्टीपल फैक्टर है, और ये मल्टीपल फैक्टर पावर चार में ही तो होगा ना, पावर चार में ही तो होगा, ये मल्टीपल फैक्टर है तो ये पावर चार ही तो होगा। अगर ये पावर चार है तो ध्यान देना, हमें इसे अमाउंट फर्स्ट वाला मल्टीपल फैक्टर बनाना है, हमारे पास जो मल्टीपल फैक्टर है वो कौन सा है, अमाउंट फोर्थ वाला बेटा, ध्यान देना आराम से, हमारे पास जो मल्टीपल फैक्टर वो कौन सा है, अमाउंट फोर्थ वाला है, हमें इसे कौन सा बनाना है, अमाउंट फर्स्ट वाला बनाना है। आप आराम से केयरफुल बेटा पूरी क्लास को शांतिपूर्वक तरीके से सुने, आप निश्चित रहें आपके सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ा होल्ड कीजिएगा बस, ठीक है, आराम से आप पूरा लेक्चर सुनिएगा, सुनने के बाद आप मुझे बोलेगा अगर समझ में ना आया हो तो बस, ठीक है, क्योंकि टॉपिक आपको ढंग से सीखना बेटा, अगर सारे पड़ोसियों को लगा दोगे ना तो भी इसके क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होंगे बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, तो ढंग से इसको सुन लीजिएगा आराम से। तो अमाउंट फोर्थ वाला हमें मल्टीपल फैक्टर दे रखा है, हमें इसे अमाउंट फर्स्ट वाला मल्टीपल फैक्टर बनाना है। तो ये अगर अमाउंट फोर्थ वाला मल्टीपल फैक्टर तो ये किसी ना किसी संख्या की पावर चार होगा, ये किसकी पावर चार होगा बेटा, किसी ना किसी संख्या की पावर चार होगा। तो हमें इसे अमाउंट फर्स्ट वाला अगर बनाना है तो इसकी पावर हम क्या कर देंगे, एक बटा चार कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे इसकी पावर एक बटा चार कर देंगे। अब समझना आराम से, 256 बटे में क्या है 81, तो पहले 81 के बारे में सोचना, नीचे वाले के बारे में पहले सोचना है, 81 क्या होता है बेटा 3 की पावर 4, 81 क्या होता है 3 की पावर 4 होता है। अब ऊपर वाली जो संख्या है वो किसकी पावर 4 है, ऊपर वाली संख्या जो है वो किसकी पावर 4 है, यही आपको यहां पर देखना है, 3 की पावर 4 कितना होता है बेटा 81 होता है। अब तुम मुझे बताओ 256 किसकी पावर 4 होता है, 256 बेटा किसकी पावर 4 होता है, शाबाश बहुत अच्छे, 256 किसकी पावर 4 होता है बेटा 4 की पावर 4 होता है, किसकी होता है बेटा 4 की पावर 4 होता है, इसकी पावर हमने कितने लगा रखी बेटा 4। जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो मैं पहले ऊपर वाले के बारे में बता रहा हूं, देखो ये क्या होगा 4 की पावर 4, इसका ब्रैकेट कितना है बेटा 4 होगा ना, ऐसे जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 तो ये आ गया, इसकी पावर ये 4, ब्रैकेट खोलते ही मल्टीपल में आ जाएगा कितना 1/4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बनेगा 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 कितना होता है 4। तो जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा निकल के 4। अब ऐसे नीचे वाला 3 की पावर बेटा 4 है, इसके ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी पावर भी क्या बनेगी 1/4, क्योंकि 1/4 जो है वो इन दोनों की पावर है, इन दोनों के ऊपर लगी हुई पावर है। जैसे अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 का 3 ये पावर 4 गुणा में फिर 1/4 आ जाएगा, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बनेगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का क्या हुआ 3। तो इसे सोल्व करने पर जो वैल्यू बाहर निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 4/3, क्या आ जाएगी बेटा 4/3। तो ये जो 4/3 है बेटा ये अमाउंट फर्स्ट वाला मल्टीपल फैक्टर है, अमाउंट फर्स्ट वाला क्या हो गया बेटा
मल्टीपल फैक्टर हो गया, ठीक है। अमाउंट सेकंड वाला मल्टीपल फैक्टर क्या होगा, पी इंटू में 4/3 की पावर 2, थर्ड वाला क्या होगा पी इंटू में 4/3 की पावर 3, और फोर्थ वाला क्या पी इंटू में 4/3 की पावर 4, और 4 की पावर 4 क्या होता है 256, 3 की पावर 4 क्या होता है बेटा 281, क्या होता है बेटा 81। ये ऐसे बना हुआ था, मतलब ये बात क्लियर थोड़ी सी, ये चल क्या रहा था इस क्वेश्चन में। तो 3/4 क्या आ गया बेटा, अमाउंट फर्स्ट का मल्टीपल फैक्टर आ गया, है ना। तो प्रिंसिपल और अमाउंट फर्स्ट का जो मल्टीपल फैक्टर होता है उसका अगर हम रेशियो निकालें तो प्रिंसिपल पी था वहां पे बेसिक में, और पी गुणा में ये कितना आएगा 3/4/3 ना, तो पी से पी क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे एक इधर क्या आएगा 4/3, तो फिर दोनों साइड किससे गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा 4। तो बस यही चीज आपको समझनी है कि नीचे वाली संख्या तो क्या बन जाएगी प्रिंसिपल, ऊपर वाली क्या हो जाएगी अमाउंट। अगर किसी को 3 रुपए उधार देंगे तो वो एक साइकिल के बाद कितने बन जाएंगे 4, एक साल के बाद कितने बन जाएंगे 4। तो किसी को 3 रुपए उधार दिए थे एक साइकिल के बाद वो कितने बने 4, तो कितने रुपए ब्याज बन गया, ये अमाउंट है ये कितना है 4 और प्रिंसिपल कितना है 3, तो ब्याज कितना बना 1 रुपए ब्याज बना, किस पे बना बेटा प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल कितना है 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो गुणा में क्या आ जाएगा 100 में किसका भाग देंगे 3 का, तो कितना आएगा 33.33%। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से फटाफट से आप समझिएगा आराम से। हमारे पास 512/162 क्या है, 512/162 क्या है बेटा अपने पास, ये आपके पास अमाउंट फोर्थ है, अमाउंट फोर्थ है। ये आपको कैसे पता चला, आपको ये पता ऐसे चला कि जो अमाउंट फोर्थ है, जो अमाउंट फोर्थ है वो यहाँ पे मतलब 4 वर्षों की दे रखी है, तो 4 वर्षों के बाद वो राशि अपने आप कितना गुणा हो रही है, तो 4 साल के बाद जो बनती है उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं अमाउंट फोर्थ। ये अमाउंट फोर्थ है, अगर ये अमाउंट फोर्थ है तो इसमें कोई एक प्रिंसिपल इंटू में कोई ना कोई मल्टीपल फैक्टर होता है, ये तो आपको समझाया था। तो इसे हम काट के थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे, जैसे हम इसे सिंपलीफाई करेंगे ये 2 से कटेगा कितना आएगा 256/81, ये इसका मल्टीपल फैक्टर निकल के आ जाएगा। ये जो मल्टीपल फैक्टर है तो फिर ये पावर 4 होगा। अब ये किसकी पावर 4 है वो हमें देखना है, अगर ये किसी की पावर 4 है तो हम इसका क्या कर देंगे बेटा 4, इससे हमारा अमाउंट फोर्थ से अमाउंट फर्स्ट निकल के आ जाएगा। जब इसका 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये निकल के 4/3, कितना निकल के 4/3, जहां पर 3 क्या होगा बेटा प्रिंसिपल और 4 क्या होगा बेटा अमाउंट, तो ब्याज कितना बना 1 रुपए किसके ऊपर 3 पे, क्योंकि 3 क्या है प्रिंसिपल, गुणा में क्या जाएगा 100, तो 33.33%, ये आपका निकल के आ जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा संजू गोदारा, कल बेटा आप क्लास नहीं लगा रहे थे, कहां गायब थे आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक निश्चित राशि 1 वर्ष में अपने का 625/256 हो जाती है, गुणा हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखो अब चक्रवृद्धि ब्याज जो तिमाही संयोजित है, तिमाही संयोजित का मतलब क्या हुआ क्वार्टरली, क्या है बेटा क्वार्टरली है, और क्वार्टरली है तो फिर आप इस बात को ऐसे समझिएगा कि प्रत्येक 3 महीने के बाद हिसाब किताब किया जा रहा है, प्रत्येक 3 महीने के बाद क्या किया जा रहा है हिसाब किताब किया जा रहा है, ठीक है। प्रत्येक 3 महीने के बाद हिसाब किताब किया जा रहा है, मतलब ऐसे मानो यहां 3 महीने हुए एक बार हिसाब किताब हो गया, यहाँ 3 महीने हुए फिर हिसाब किताब हो गया, यहाँ 3 महीने हुए हिसाब किताब हो गया, यहाँ 3 महीने हुए हिसाब किताब कर दिया गया। तो पैसा जो है वो 1 वर्ष के लिए उधार दिया गया था, पैसा कितने साल के लिए उधार दिया था बड़ा 1 साल के लिए उधार दिया था। ब्याज जो है वो कैसे बिहेव करा यहाँ पे तिमाही, यानी प्रत्येक 3 महीने के बाद प्रिंसिपल पर बनने वाला जो ब्याज है, प्रत्येक 3 महीने के बाद प्रिंसिपल पर बनने वाला जो ब्याज है वो ऐड कर दिया जाएगा वापस से प्रिंसिपल में, क्लियर सबका। तो ये बात होगी, तो फिर 1 साल में 3-3 महीने की, मतलब जो साइकिल है वो कितने महीने की बनेगी बेटा, हिसाब किताब 3 महीने के बाद कर रहा है, मतलब चक्कर यानी कि साइकिल कितने महीने की बनेगी 3 महीने की बनेगी, तो फिर 1 साल में कुल कितनी साइकिल बन जाएगी बेटा 4 साइकिल बन जाएगी। अगर 3-3 महीने के बाद हिसाब किताब करेंगे तो 1 साल में हिसाब किताब कितनी बार होगा, हिसाब किताब कितनी बार होगा 4 बार होगा बेटा, कितनी बार होगा 4 बार होगा। तो फिर ये जो डाटा आपको दे रखा है ये अमाउंट फोर्थ बन जाएगा ना, मतलब चौथी बार हिसाब करने के बाद वो प्रिंसिपल वो राशि कितनी बन जाएगी 625/256, तो 625/256 ये अमाउंट फोर्थ हो गया। हमें इसे क्या बनाना बेटा अमाउंट फर्स्ट बनाना है, क्या बनाना है इसको अमाउंट फर्स्ट बनाना है, इसे अमाउंट फर्स्ट बनाने के लिए इसका क्या कर देंगे बेटा 4, अगर 1/4 करेंगे तो ये संख्या किसी ना किसी की पहले से 1/4 होगी, मतलब ये किसी ना किसी संख्या की पावर 4 होगी, ब्रैकेट में लिखी गई संख्या जो है वो किसी ना किसी की पावर 4 होगी,
किसकी पावर चार है ये हमें यहां पर देखना है। या तो ये पहले से पावर चार होती है या इन्हें काट के थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ये पावर चार बन जाएगी। 256 पावर चार होती है, अभी अभी आप पढ़ गए किसकी होती है बेटा, चार की पावर होती है चार, और 625 किसकी होती है पांच की, ये पांच की पावर चार और ये किसकी पावर चार बेटा चार की। तो फिर जब इसका एक बटा चार करेंगे तो बाहर क्या निकल के आएगा, पांच बटे चार। अब पांच बटे चार क्या है, पिछले क्वेश्चन में बताया था ना आपको पांच बटे चार कैसे निकल के आएगा, बस वही चीज आपको देखनी है, वही चीज आपको देखनी है। क्लियर है सबका, चलिए शाबाश। तो पांच बटे चार आ गया, अब यहां पे चार क्या होगा बेटा प्रिंसिपल होगा, चार यहां पर क्या होगा प्रिंसिपल, और पांच यहां पर क्या हो जाएगी अमाउंट। तो किसी को चार रुपए उधार दिए थे वो कितने बन गए पांच, कितने समय के बाद, तीन महीने के बाद बेटा, कितने समय के बाद, तीन महीने के बाद, क्योंकि हिसाब किताब कितने समय के बाद हो रहा बेटा, तीन महीने के बाद हो रहा है। तो चार से पांच रुपए बने कितने समय के बाद, तीन महीने के बाद, क्योंकि एक साइकिल के बाद बनेगा ना ये अमाउंट फर्स्ट है, तो एक साइकिल के बाद, और साइकिल कितने की, तीन महीने की, तो कितने रुपए ब्याज के बने एक रुपए, किसके ऊपर चार पे, प्रिंसिपल भी बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले कितनी आ जाएगी 25%, यानी 25% ब्याज कमाएगा एक साइकिल में, कितने साइकिल में बेटा, एक साइकिल में 25% ब्याज कमाएगा। क्लियर है सबका, हमें निकालनी है ब्याज की दर, ब्याज दर बेटा हमेशा एनुअल होती है, ब्याज दर हमेशा एनुअल होती है, यानी कि वार्षिक होती है, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। टाइमिंग कितनी भी दे रखी हो, हिसाब किताब यानी चक्कर साइकिल कैसे भी बोल रखा हो, जब भी आपको दर निकालनी हो तो दर हमेशा एनुअल निकलेगी, वार्षिक ही निकलेगी, ये चीज आप समझ जाएगा। ओके सबका, तो अगर तीन महीने की कितनी है 25%, तो एक साल की एनुअल होती है कि एक साल की कितनी हो जाएगी बेटा, फिर 2% ना, तीन महीने की 25, 6 महीने की 50, 9 महीने की 75 और 12 महीने की 100%, 12 महीने की एक साल, और दर हमेशा क्या होती है एनुअल होती है, वार्षिक होती है, तो कितने बन जाएगी बेटा 100% बन जाएगी। क्लियर हुआ सबका, आगे देखिए शाबाश। तो 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, ब्याज दर आ जाएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पढ़ लीजिए सभी, पढ़ दीजिएगा शाबाश, बहुत अच्छे बेहतरीन शाबाश। देखिए कह रहे 4704 रुपए का धन 2 वर्ष में 5766 रुपए हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर फिर से पूछेगी आपसे, ध्यान दीजिए बेटा, ये तो क्या हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल, ये यहाँ पर क्या है अमाउंट, कितने साल के बाद का अमाउंट बेटा, 2 साल के बाद का अमाउंट है, 2 साल के बाद का क्या है अमाउंट है, ये बात कर रही हूँ, 2 साल के बाद का क्या है अमाउंट है। अगर 2 साल के बाद का अमाउंट है तो फिर जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चा, ध्यान देना आराम से, हमें दर निकालनी है, दर निकालनी है, हमें क्या चाहिए एक साइकिल का ब्याज, अमाउंट फर्स्ट, एक साइकिल बनेगी तो अमाउंट फर्स्ट तक पहुंचने में जो एक साइकिल बने उस एक साल के दौरान, एक साइकिल के दौरान कितना ब्याज बना वो ब्याज हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि 5766, ये तो आ गया अमाउंट, बटे में ये प्रिंसिपल आ जाएगा 4704। क्लियर हुआ बेटा सबका, ये चीज यहां पर निकल के आ जाती है। तो ये जो है अमाउंट सेकंड है, अगर ये अमाउंट सेकंड है तो आपको पता ना अमाउंट सेकंड क्या होती है, अमाउंट सेकंड में मल्टीपल फैक्टर स्क्वायर में होता है, अमाउंट सेकंड में क्या होती है मल्टीपल फैक्टर क्या होता है स्क्वायर होता है ना गुरुबेज, ये बात नहीं है बेटा, 12 मंथ लिख राइट किया हुआ ये बात नहीं है, बात यह कि दर हमेशा होती ईयरली है, क्वेश्चन में अगर 3 साल लिखा होगा तो हमें 3 साल की नहीं निकालनी, हमें ईयरली दर जब भी निकालनी हो 1 साल की निकलेगी, बस ये दिमाग में बैठा ले, टाइम कितना दे रखा है, ब्याज तिमाही है, 6 महीने है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, जाना नहीं इन चीजों में, पैसा कितने साल के लिए उधार रखा है इस पे जाना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि ईयरली होती है ब्याज दर, ठीक है। तो ये अमाउंट सेकंड है, तो फिर कहना कि अमाउंट सेकंड में क्या होता है, जो याद होगा 8/7 वाला, इसमें मल्टीपल फैक्टर किसमें होता है स्क्वायर में होता है, तो ये संख्या या तो पहले से किसी का स्क्वायर होगी या फिर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सोल्व करेंगे तब ये स्क्वायर बन जाएगी। तो नीचे वाली जो संख्या 4704 इसके बारे में सोचा करो पहले, क्या ये किसी का स्क्वायर है, तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसे काट लेंगे थोड़ा, किससे काटे बेटा शाबाश बताओ, कमेंट करके बताओ इसे किससे काटे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, तो 6 से काटें
54, आगे 3 बचा, आगे 6 36, 6 6 के 36 और 6 कम 6, बटे में 6 7 42 कितना बचा 5 0 50, 6 8 48 2, आगे 4 24, 6 चौके 24, ये आ गया। तो ये जो आ गया, ये आ गया बेटा आपका मल्टीपल फैक्टर। ये क्या गया आपका बेटा मल्टीपल फैक्टर, और ये मल्टीपल फैक्टर किस में होता है, स्क्वायर में, क्योंकि ये अमाउंट सेकंड वाला है, हमें इसे क्या बनाना है अमाउंट फर्स्ट, ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, हमें इसे वापस क्या बनाना बेटा अमाउंट फर्स्ट बनाना है, क्या बनाना है अमाउंट फर्स्ट। तो ये अगर ये स्क्वायर में तो हम इसका क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे, तो ये वापस क्या बन जाएगा अमाउंट फर्स्ट। अब आप ये देखो नीचे वाले की तरफ देखा करो, 784 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर बताइए, किसका स्क्वायर बताओ शाबाश कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा बेटा कि 784 किसका स्क्वायर है, 784 किसका स्क्वायर है, कमेंट करके फटाफट बताइएगा शाबाश, बहुत अच्छे कमेंट करके बताएं बेटा सभी बच्चे कि 784 किसका स्क्वायर है, जल्दी बोलो बेटा शाबाश, बहुत अच्छे 784 किसका स्क्वायर है, अमानी देवी सगनप्रीत कौर अजय कुमार संदीप, ठीक है बेटा बहुत अच्छे, कमेंट करके बताइएगा फटाक से मुझे कि 784 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, और 961 भी किसका स्क्वायर होता है, 961 भी किसका स्क्वायर है, दोनों बता दीजिएगा मुझे शाबाश, दोनों बता दीजिएगा रविंदर, बहुत अच्छे बेटा। ये तो किसका होता है बेटा 28 का, ये किसका है 31 का, ये किसका बेटा 28 का, और ये किसका बेटा 31 का है, ये 28 का स्क्वायर है बेटा किसका है 31 का है, क्लियर हो सबका। तो नीचे तो ये 28 का स्क्वायर यानी 28 की पावर 2 लिखा जाएगा, ये 31 का स्क्वायर यानी 31 की पावर 2 लिखा जाएगा, फिर इनकी पावर लगेगी 1/2, तो 31 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2, तो 31 वाली पावर 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा 31 की पावर 1, तो बाहर क्या निकल जाएगा 31, ऐसे यहां से बाहर क्या निकल जाएगा बेटा 28, 28 किसका काम करेगा बेटा प्रिंसिपल का, 31 क्या होगा बेटा अमाउंट। तो 28 रुपए किसी को उधार दिए थे वो कितने बन जाते हैं 31 रुपए, कितने बन जाते बेटा 31 रुपए, तो ब्याज कितना रुपए बना बेटा 3 रुपए, 3 रुपए ब्याज किस पे बनेगा बेटा 28 पे, 3 रुपए ब्याज बेटा किस पे बनेगा 28 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने तो गुणा में क्या जाएगा बेटा 100, तो 100 की गुणा किस हो जाएगी 3 से, कितना बन जाएगा 300, 300 में किसका भाग देना बेटा 28 का, तो जब 300 में 28 का भाग देंगे तो 10 सही 5/7%, 10 सही 5/7% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब भाग देना तो आता होगा ना है तो भी बता देना, ये भी सिखा देंगे, कोई बात नहीं है, आप खुश रहो बस, आप सीखो, आप पढ़ो, आप मौज मारो बस। नेक्स्ट देखिए शाबाश, पढ़िए बेहतरीन शाबाश, ये प्रिंसिपल है, 3 साल के बाद ये क्या बन जाएगा इतनी अमाउंट बन जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, तो फिर सबसे पहले तो ये वैल्यू लिखेंगे, लिख दिया शब्द ने शाबाश, बटे में प्रिंसिपल आ जाएगा, लिखना सीख गए ना अब आप कि ऊपर अमाउंट नीचे क्या जाएगा प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में और इस अमाउंट में कितने साल का गैप है 3 साल का गैप है ना, तो ये अमाउंट थर्ड बेटा, ये क्या अमाउंट थर्ड है, अगर ये अमाउंट थर्ड है तो ये जो संख्या है बेटा ये अमाउंट थर्ड है, अगर ये अमाउंट थर्ड है तो अमाउंट थर्ड में क्या होता है प्रिंसिपल इनटू में मल्टीपल फैक्टर की पावर 3 होती है, तो इसमें प्रिंसिपल गुणा में उस मल्टीपल फैक्टर की पावर 3 रही होगी, जिस भी दर से ये आगे बढ़ा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये बना हुआ है, तो हमें वो मल्टीपल फैक्टर ढूंढना है, और वो मल्टीपल फैक्टर इसमें क्या पावर 3 में, किस में बेटा इसमें पावर 3 में है, तो या तो ये संख्या पहले से कितना किसी की पावर 3 है, पता चल गई तो अच्छी बात है, पता ना चले और ये पावर 3 ना हो तो इसे थोड़ा सिंपलीफाई करो फिर ये पावर 3 बन जाएगी, जैसे यहां पर ये 0 आपस में कैंसिल आउट होगी, अब ये 4394 बच गया, ये 3456 बच गया, इसे काट के छोटा कर दो पहले बेटा, इसे काट के क्या कर देंगे छोटा कर देंगे, बताओ शाबाश किससे काटो इन्हें, इन दोनों संख्याओं को किस नंबर से काटो कमेंट करके बताइए शाबाश, जल्दी कीजिए बेटा जल्दी कीजिए, सभी कमेंट करके बताइए बेटा कि इस संख्या को किससे काटें, बेहतरीन बच्चे बहुत अच्छे बेटा, कमेंट करके बताइएगा बेटा सभी, कमेंट करके बता दीजिएगा शाबाश बहुत अच्छे कि इस संख्या को किससे काटें, बहुत अच्छे बेटा, बेहतरीन किससे काटें बेटा शाबाश बहुत अच्छे, बताओ जल्दी करके कि इन दोनों संख्याओं को किससे कट कर सकते हैं, 2 से क्या शाबाश 2 से काट देते बेटा,
जब दो से काटेंगे तो ऊपर वाला कितना आएगा शाबाश बताओ। छह से कह रहे कुछ बच्चे, किससे कह रहे बेटा? छह से खुशदीप सिंह कह रहे बेटा, दो से चार से मनजीत सिंह, चार गुरतेज अरोड़ा, छह से काटे क्या? छह छोटा सभी बताओ। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे काट सकते हैं, बड़े से बड़ा नंबर जिससे दोनों कट जाए, बड़े से बड़ा बड़ा नंबर जिससे ये दोनों कट जाए, वो बड़ा नंबर हमें चाहिए। देखो ट्राई करो, छह से कट रही है क्या? अगर इसे छह से काटेंगे तो छह सात 42 कितना बचा? एक। आगे 19 कितने पे? छह तीये 18 कितना बचा? एक। आगे 4 14 कटेगी नहीं बेटा, 14 तो कटता ही नहीं है भाई। किससे काटेंगे भाई? मुकेश कुमार ये बता बेटा, काटेंगे किससे? काटेंगे किससे बताओ बेटा, शाबाश बहुत अच्छे। किससे कटेंगे ये बताओ, शाबाश। किससे कटेंगे ये बताओ, शाबाश। दो से काट देंगे, शाबाश। दो दुनी 4, दो एकम 2 कितना बचा? एक। आगे 19, दो में 18 कितना बचा? एक। आगे 4 14, 2 7 14, दो से काटेंगे बेटा, दो से काटेंगे कितना आ जाएगा? 1728। तो काटने पर ये आ गया, ये किसी ना किसी की स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी क्यूब बन जाएगा। कितने टाइमिंग इस प्रिंसिपल में और इस अमाउंट में कितने का अंतर है बेटा? 3 साल का अंतर है ना, ये अमाउंट थर्ड है ना, तो ये संख्या कन्फर्म किसी ना किसी की पावर 3 होगी। ये संख्या कन्फर्म किसी ना किसी की पावर 3 होगी। ये अमाउंट थर्ड का मल्टीपल फैक्टर है, हमें अमाउंट फर्स्ट का मल्टीपल फैक्टर चाहिए। हमें अमाउंट फर्स्ट का क्या चाहिए? मल्टीपल फैक्टर चाहिए। हमें अमाउंट फर्स्ट का क्या चाहिए बेटा? मल्टीपल फैक्टर चाहिए। तो इसके हम क्या कर देंगे बेटा? 3 कर देंगे। अब ये देखो कि ये किस, पहले नीचे वाला देखा करो, ये किसकी पावर 3 है बेटा? 12 की पावर 3 है। ये किसकी पावर 3 है बेटा? ये 13 की पावर 3 है। ठीक है, जब इसे सिंपलीफाई करें तो क्या जाएगा? 13 बटे 12। 12 क्या है? प्रिंसिपल। 13 क्या बेटा? अमाउंट। तो कितने रुपए ब्याज बना बेटा? 1 रुपए ब्याज बन गया। किस पे? 12 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला तो गुना में क्या जाएगा? 100। तो 1/12 गुना में क्या आ गया? 100। अब इसे सोल्व करना बेटा, अब इसे सोल्व करना है। क्या करना है बेटा? इसे सोल्व करना है। देख लो शब आराम से, तो कितना आ जाएगा? 8 सही 1/3%। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर आ जाएगी। यहां से क्लियर हो सबका? चलिए आगे देखिए, शाबाश बहुत अच्छे बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो यानी क्वार्टरली है तो 48,000 रुपए की धनराशि पर किस ब्याज दर से, यानी ब्याज दर निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को निकालना है, 9 महीने में 7,566 रुपए, 7,566 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। यानी 48,000 रुपए तो क्या बेटा? प्रिंसिपल है। 7,566 क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज यानी कि सीआई। यहां पे हमें क्या पूछा गया? दर। अगर दर पूछी गई है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? अमाउंट चाहिए। आपको क्या चाहिए? अमाउंट। तो 48,000 रुपए में अगर ये ब्याज जोड़ देंगे तो क्या निकल के जाएगा? अमाउंट। 48,000 रुपए में 7,566 अगर जोड़ेंगे तो 55,566 बन जाएगा, बटे में कितना? 48। ऊपर अमाउंट, बटे में क्या रहेगा बेटा? प्रिंसिपल। क्लियर है सबका? ये बात क्लियर होगी। अब ध्यान दो, यहां पर पैसा जो है वो कितने टाइम के लिए उधार दिया गया बेटा? 9 महीने के लिए उधार दिया गया है। साइकिल कितने की बनेगी? 3 3 महीने की। हिसाब किताब प्रत्येक 3 महीने के बाद क्या जाएगा? यानी प्रत्येक 3 महीने के बाद प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज ऐड कर दिया जाएगा प्रिंसिपल के अंदर। तो हिसाब किताब प्रत्येक 3 महीने के बाद होगा, मतलब साइकिल चक्कर कितने महीने का बनेगा? 3 महीने का। तो 3 3 महीने की अगर साइकिल बनेगी तो 9 महीने में कुल कितनी साइकिल बन जाएगी? 9 महीने में कुल कितनी साइकिल बन जाएगी? 3 साइकिल बनेगी ना, 3 3 महीने की साइकिल, 9 महीने कितने बनेंगे बेटा? 3 साइकिल बन जाएगी। मतलब ये जो संख्या है, ये जो अमाउंट बनेगी, ये जो अमाउंट बनेगी, ये अमाउंट थर्ड बनेगी। 3 साइकिल मतलब 3 साइकिल के बाद यानी कि अमाउंट थर्ड कहलाएगी। ये क्या बेटा? प्रिंसिपल है। क्लियर हो सबका? तो इसे काट के क्या कर देंगे बेटा? छोटा कर देंगे, सिंपलीफाई कर देंगे। ये अमाउंट थर्ड है तो बेटा ये कन्फर्म अमाउंट थर्ड है, तो अमाउंट थर्ड में मल्टीपल फैक्टर की पावर कितनी होती है? 3 होती है। तो ये संख्या किसी ना किसी की पावर 3 होगी, ये संख्या किसी ना किसी की पावर 3 होगी। अगर ये संख्या किसी की पावर 3 नहीं है तो इसे सिंपलीफाई करने पर जो आएगी वो पावर 3 बन जाएगी। तो इसके बारे में सोचो बटे वाले की, ये आसान होता है बेटा। नीचे वाली जो संख्या होती है ये आसान होती है सोचना। तो 48,000 रुपए किसी की पावर 3 नहीं होती, लेकिन अगर इसे हम 6 से काट दें, किससे काट दें बेटा? 6 से। तो 6 से काटने में कितना आएगा? 8,000। 6 8 48 8,000 आ गया। ऊपर वाले को अगर हम 6 से काटे, ऊपर वाले को भी अगर हम 6 से काटे, इस संख्या में 55,566 में अगर किसका भाग दें? 6 का, तो ये संख्या अपने पास निकल के आ जाएगी। क्लियर हो सबका? तो ये संख्या कन्फर्म किसी ना किसी की पावर 3 बनेगी। अगर ये पावर 3 बनेगी तो इसे हम अमाउंट फर्स्ट बनाने के लिए क्या कर देंगे? इसका 1/3 कर देंगे।
एक बटा तीन कर देंगे, 8000 किसकी पावर तीन होता है बेटा, 20 की पावर तीन, ना किसकी होता है बेटा, 20 की पावर तीन होता है। अब एक बात और आपको यहां पे बता रहा हूं, अगर बटे वाली संख्या 20 की पावर तीन बना तो ऊपर वाली जो संख्या होती है ना बेटा, ऊपर वाली जो संख्या होती है वो 21, 22, 23 बस इन तीन संख्याओं में रहेगी। अगर नीचे वाली संख्या 10 की पावर कुछ बने, नीचे अगर 10 की पावर 3 होती तो ऊपर वाली संख्या 11, 12, 13 बस यही रेंज होती, इससे ऊपर नहीं होता। ऐसे नहीं होता भी नीचे वाली संख्या 20 की पावर 3 बन रही है और ऊपर वाली संख्या 28 की पावर 3, 29 की पावर 3, ना इतना नहीं जाता, कभी नहीं जाता बेटा। ऊपर वाली संख्या बस तीन संख्या में से किसी ना किसी कुछ ना कुछ पावर स्क्वायर कुछ बन जाएगा अपने आप ही। एक बात क्लियर हुई। दूसरा, आपको बेटा 40 तक पावर 3 याद करनी पड़ेगी, 100 तक स्क्वायर याद कर दीजिएगा, 40 तक पावर 3 याद कर दीजिएगा अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं तो। इतना काम आपको करना ही करना पड़ेगा बेटा अगर आप अपनी कैलकुलेशन बढ़ाना चाहते हैं और आप पेपर पास करना चाहते हैं तो। तो ये तो किसकी पावर 3 होता है बेटा, 20 की। ये किसकी बनेगा बेटा, 21 की। किसकी बन जाएगा, 21 की। तो 21 बटा क्या जाएगा, 20 बाहर निकल के आएगा। 21 बटा क्या जाएगा बेटा, बाहर निकल के 20 आ जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छी बेटा। तो 21 रुपये क्या अमाउंट है, 20 रुपये क्या बेटा प्रिंसिपल है। तो ब्याज कितना बना, 1 रुपया। किसके ऊपर बेटा, 20 पे। तो गुणा में क्या लगा देंगे, 100। कितना आ जाएगा, 5%। अब 5% क्या आ गया बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। कितनी साइकिल की, एक साइकिल की। मतलब पहले तीन महीने में, पहले तीन महीने में कितना ब्याज कमाएगा बेटा, 5% ब्याज कमाएगा। क्योंकि यहां पर हिसाब किताब प्रत्येक तीन महीने के बाद हो रहा है। ये जो 1 रुपया ब्याज बना, ये जो 1 रुपया ब्याज बना, 20 से 21 हुआ, कितना टाइम में हुआ बेटा, 3 महीने में हुआ ना। कितने महीने हुआ बच्चा, 3 महीने में हुआ। हमें क्या निकालनी बेटा, दर निकालनी है, ब्याज की दर। और दर हमेशा क्या होती है बेटा, एनुअल होती है, वार्षिक होती है। ये दिमाग में डाल लो अच्छे से, वार्षिक होती है। अब अगर 3 महीने की 5% है तो 6 महीने की 10, 9 महीने की 15 और 12 महीने की कितनी, 20। 12 महीने की 1 साल। तो इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 20% बन जाएगा, 20% बन जाएगा बेटा। इसका आंसर 20% आ जाएगा। अब ऐसे मत सोचना कि सर यहां पर तो 9 महीने हैं, 9 महीने हैं, 15% बनेगी। महीने यहां पर कितने हैं, ये है कि कितने टाइम के लिए पैसा उधार लिया है। वो समय होता है, कभी 9 महीने आएगा, कभी 3 साल आएगा, कभी 4 साल आएगा, कभी 4 दिन भी आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है साल की। पैसा कितने टाइम के लिए उधार दिया उसकी दर नहीं होती बेटा, दर होती है साल से। मतलब होता है उसका कि एनुअल इंटरेस्ट रेट कितनी है, वो हमेशा सालाना बता जाती। तो वो 20% आएगी, 15% नहीं आएगी मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना तुम। नेक्स्ट देखिए, शाबाश। यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्रण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 9600 रुपए और 10272 रुपए प्राप्त किया तो ब्याज की दर क्या है। अब देखो, ये दूसरे साल का मिश्रण है, ये तीसरे साल का मिश्रण है। मतलब ये अमाउंट सेकंड है बेटा और ये क्या अमाउंट थर्ड है, ये अमाउंट सेकंड और ये क्या अमाउंट थर्ड है। तो अमाउंट सेकंड जो होता है वो अमाउंट थर्ड के लिए किसका काम करता है, प्रिंसिपल का। बताया था ना शुरुआत में, अमाउंट सेकंड जो होता है वो अमाउंट थर्ड के लिए किसका काम करता है बेटा, प्रिंसिपल का। तो ये तो क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल। ये क्या हो गया, अमाउंट। इस प्रिंसिपल में और इस अमाउंट में कितने साल का अंतर है बेटा, एक साल का तो अंतर है ना, क्योंकि ये तो 2 साल वाला था और ये कितने का था, 3 साल वाला। तो इन दोनों में, इन दोनों रकम में कितने साल का अंतर हुआ, 1 साल का अंतर हुआ। तो ये अमाउंट फर्स्ट का लगेगा एक तरीके से, इसके लिए तो ये अमाउंट फर्स्ट बन जाएगी ना, लिखवा सबका। तो ये प्रिंसिपल है, ये क्या हो गया अमाउंट। इस अमाउंट में से अगर हम ये प्रिंसिपल निकाल दें तो इनके बीच का अंतर है 1 साल। तो वहां पर एक साइकिल का 1 साल का ब्याज आ जाएगा ना, तो 10272 में से 9600 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 672 बटे में प्रिंसिपल कितना, 9600। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले तो गुणा में 100, ये कैंसिल आउट। 96 का भाग देना किसमें, 672 में। तो 96 का कितना मल्टीपल होता है, 96 का कितना मल्टीपल होता है बड़ा, 672। 7 गुना कितना होता है, 7 गुना। तो 7% क्या आ जाएगी बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितनी आ जाएगी बेटा, 7% आ जाएगी। क्लियर हो सबका, आगे देखिए शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। ये बेटा मैं यहां से ना आपको कल करवा दूंगा, ठीक है, यहां से मैं आपको कल करवा दूंगा। अभी समय ज्यादा हो गया, आपका नेट भी खत्म होने वाला होगा, बच्चों को मैसेज आने लगे कि सर नेट खत्म हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, आज इतना कर लेते हैं मेरे बच्चे। कुछ क्वेश्चन रह गए, ये मैं आपको कल करवा दूंगा आराम से। तो उम्मीद है आप सबको ये क्लास
पसंद आई होगी, और जितना मैंने आपको कराया उतना आपको समझ में भी आया, मतलब ठीक है। आप इसको 2 से 3 बार इस लेक्चर को सुने बेटा, इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार सुने, फिर जब आप तीसरी बार सुन रहे तब तो आप इसके नोट्स बना ले, मतलब ठीक है ना। इसको बार बार सुनिएगा, जब हमें कोई चीज़ नहीं आती ना बेटा तो टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए सेशन में इतना ही, मुझे दीजिएगा आज्ञा, क्लियर सबका। शुभरात्रि सभी को, जय हिंद जय भारत।